हो गया ओके हो गया हेलो एंड जय हिंद स्टूडेंट वेलकम वंस अगेन टू योर ओन चैनल सर तरुण रूपानी और आज क्लास नाइन्थ आईसीएससी का बायोलॉजी का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर दी रेस्पिरेटरी सिस्टम और मेरे राइजिंग स्टार्स यस राइजिंग स्टार राइजिंग स्टार एक डेडिकेटेड एंड एक्सक्लूसिव बैच है फॉर आईसीएससी क्लास नाइन स्टूडेंट तो उनके लिए ये वीडियो डेडिकेटेड है तो चलिए इफ यू आर नॉट क्लास नाइन स्टूडेंट प्लीज शेयर दिस लिंक विद क्लास नाइन स्टूडेंट्स ऑफ आईसीएससी तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन क्या है रेस्पिरेशन पहले इसे समझते हैं क्या क्या ये सांस लेना क्या यह है रेस्पिरेशन? क्या कहते हो ब्रीदिंग और रेस्परेशन को क्या आप एक समझते हो सर ब्रीदिंग और रेस्परेशन तो दो अलग अलग चीजें हैं एकदम परफेक्ट जवाब है आपका ब्रीदिंग इज ओनली अ फिजिकल प्रोसेस विच इन्वॉल्व इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनहलेशन एक्सलेशन बट रेस्परेशन की जब बात करते हैं तो रेस्परेशन इंक्लूड्स ब्रीदिंग एंड रिलीज ऑफ एनर्जी हां हमारी बॉडी में ऑक्सीजन का एब्जॉर्ब होना यस और उस ऑक्सीजन की मदद से फूड का ब्रेक डाउन होना ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होना और एनर्जी का रिलीज होना सर इतना जल्दी कैसे होता है यह सब तो यह ये सब यस साथ में चल रहा है आपके हा आपकी हर सांस जो आप ले रहे हैं जी वो रेस्पिरेशन का पार्ट बनती जा रही है तो चलिए रेस्पिरेशन अब आप समझ चुके हैं ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन दोनों ही अलग अलग चीजें हैं तो रेस्पिरेशन क्या है रेस्पिरेशन एक केमिकल प्रोसेस है कैसा प्रोसेस है एक प्रोसेस जिसमें रिलीज ऑफ एनर्जी होती है बाय ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज आपके बॉडी का जो ग्लूकोज है सर ग्लूकोज हमारे शरीर में कहां से आया अरे भाई तूने चपाती खाई चावल खाया रोटी खाई खाई थी ना तो यस जो आपने लंच ब्रेक में चपाती चावल रोटी बर्गर कुछ खाया था ना तो उन सब में ग्लूकोज ठीक है वो ग्लूकोज क्या करता है आपके एन, लाइफ में यस एनर्जी रिलीज करने में यस रेस्पिरेशन मदद करता है उस ग्लूकोज को एनर्जी में कन्वर्ट करता है ये रेस्पिरेशन तभी आप सारे लाइफ प्रोसेस कर पा रहे हो तभी आप बाकी और लाइफ के फंक्शंस कर पा रहे हो तो हम लोगों को यस yes, हम मैं कह सकता हूँ हम लोग भी एनिमल्स की कैटेगरी में आते हैं यस ह्यूमन इज़ कैटेगरी ऑफ मैमल्स है ना तो हम लोग भी एनिमल्स भी बर्ड्स भी ज़्यादा एनर्जी चाहते हैं एज कंपेयर टू प्लांट्स क्या रीज़न है अरे स्क्रीन पे मत देखो भाई क्या रीज़न है हाँ तो आप कहोगे सर रीज़न है कि एनिमल्स और प्लांट्स में बहुत अंतर है प्लांट्स जो होते हैं वो स्टैगनेंट होते हैं स्टेशनरी होते हैं और जबकि एनिमल्स क्या होते हैं बहुत मोशन करते हैं ठीक कहा एकदम परफेक्ट जवाब है आपका आइए बुकिश आंसर इसको समझते हैं कि वाई जी वाई एनिमल्स एंड बर्ड्स नीड मोर एनर्जी तो रीज़न सिंपल है बिकॉज एनिमल्स कंज्यूम मोर एनर्जी हमें एनर्जी ज़्यादा चाहिए क्योंकि हम ज़्यादा फिज़िकल वर्क करते हैं ठीक है और हमसे यस एनर्जी यस हमसे एनर्जी क्या है सॉरी हमें एनर्जी कहाँ से मिलने वाली है तो वो रेस्परेशन से मिलने वाली है अच्छा बर्ड्स एंड मैमल्स याद रखिएगा एनिमल्स में भी बर्ड्स एंड मैमल्स को और ज़्यादा एनर्जी चाहिए याद रखिएगा बर्ड को उड़ना है पूरे शरीर को क्या करना है यस उठा के आसमान ले जाना है ठीक है और बर्ड्स एंड एन एनिमल्स को ये भी करना है कि उनकी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करना है अच्छा आप क्या आप जानते हैं कि बर्ड्स जिसको हम एव्स के कैटेगरी में कहते हैं यस बर्ड को हम लोग कहते हैं एव्स ए वी ई एस एव्स और मैमल्स तो खैर हम लोग हैं यस मैन काओ बफेलो रेट कैट सब मैमल्स हैं क्योंकि ये डायरेक्ट बर्थ टू ऑर्गेनिजम्स देते हैं है, है कि नहीं है तो हम लोग दोनों यस एव्स और मैमल्स यस एव्स और मैमल्स किस तरह के ब्लडेड हैं हाँ कौन से ब्लड कैटेगरी के ब्लड कैटेगरी हाँ मतलब हम बॉम ब्लडेड हैं कोल्ड बेडेड है पोइक्लोथर्मल है वो होमियोथर्मल है क्या आपको आप मालूम है चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि हम कौन से यस हम मैं और आप जो मैमल्स हैं वो दोनों ही क्या हैं उनकी बॉडी में एक फिक्स्ड टेम्परेचर है हमारी बॉडी का टेम्परेचर फिक्स्ड है इसका मतलब है कि जब सर्दी आती है तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर हमें मेंटेन करने के लिए फिक्स्ड टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए हमें हीट चाहिए होती है अगर हमें हीट नहीं मिलेगी यस टेम्परेचर बॉडी का मेंटेन नहीं होगा तो बुखार हो जाएगा हम अपनी बॉडी का टेम्परेचर अपने सराउंडिंग के साथ चेंज नहीं कर सकते फिक्स्ड बॉडी टेम्परेचर है हम लोग आते हैं वॉम ब्लडेड में यस yes, बर्ड्स भी आती है वॉम ब्लडेड में याद रखिएगा रेप्टाइल्स पाइसेज यस फिशेस वॉर्म ब्लडेड नहीं है कोल्ड ब्लडेड है इसका मतलब है ठंडे पानी में फिश जाएंगी तो अपने बॉडी का टेम्परेचर क्या करेंगी चेंज कर पाएंगी ठीक है अब याद रखोगे तो हम लोग हैं यस yes, वार्म ब्लडेड एनिमल्स ठीक है तो वार्म ब्लडेड एनिमल्स की खास बात क्या होती है इनको हीट भी प्रोड्यूस करनी पड़ती है कब जब इनको ठंडक लग रही होती है और अपने बॉडी को वार्म करना पड़ता है इसीलिए मैंने कहा स्वेटर जैकेट मफलर हम क्यों पहनते हैं सर्दियों में ये रीज़न है एंड द हीट कम्स ये हीट कहाँ से आती है रेस्परेशन से आती है तो हमें रेस्प्रेशन एक और काम करता है न सिर्फ एनर्जी दे रहा है यस काम करने की शक्ति लाइफ प्रोसेस को करने की शक्ति बल्कि हमें पास जो एनर्जी है यस yes, उसके साथ साथ हमारे पास जो हीट है हमारी बॉडी को गर्म रख रहा है हमारे बॉडी का टेम्परेचर फिक्स है क्या आप जानते हैं वट इज द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ यस नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ अ मैमल हाँ मैन uh, कर सकते हैं चलिए मैमल की जगह मैन कर सकते हैं हाँ एक हेल्दी पर्सन का नॉर्मल टेम्परेचर क्या है मुझे अभी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं मुझे बहुत खुशी होगी आपके कमेंट्स को देख करके और मैं भी आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा तो द अमाउंट ऑफ हीट जो बॉडी को वार्म रही है वो बहुत ज्यादा चाहिए होता है इसीलिए हमें क्या होता है ज्यादा एनर्जी चाहिए क्लियर है यहां तक कि आप जब ठंड लगती तो है तो कांपने लगते हैं शिविर कांपने लगते हैं ना कांपने लगते हैं कप कपी होने लगती है या दाद कटकटाने लगता है तो ये सब ये सब एक तरह का इमरजेंसी एक्टिविटी है हाँ जब नहा के पानी से निकलते हो है ना वॉशरूम से तो आपको ऐसा लगता है यस तो आपके मसल सेल्स आपको क्या करते हैं एक्स्ट्रा एनर्जी देते हैं उस समय आपकी बॉडी की टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए यस yes, वो टेम्परेचर हमेशा क्या होना चाहिए मेंटेन्ड रहना चाहिए वरना आप हो जाओगे बीमार सो दैट इज वाई वी नीड मोर एनर्जी सो वी नीड टू रेस्पायर मोर ठीक है अब आता है ग्लूकोज चाहिए हमें एनर्जी के लिए क्या चाहिए ग्लूकोज ग्लूकोज को भी तो ब्रेक डाउन करके एनर्जी रिलीज करते हैं है कि नहीं है तो ग्लूकोज हाँ सी सिक्स एच ट्वेल्व ओ सिक्स यस ये हमें चाहिए तो अगर एक सिंपल कार्बोहाइड्रेट की बात करें जी सिंपल कार्बोहाइड्रेट इफ इज नॉट अवेलेबल डायरेक्टली तो क्या होगा देन द सेल में ब्रेक डाउन द सेल में ब्रेकडाउन प्रोटीन और फैट्स ऐसा कब होता है इमेजिन करिए मेरे और आपकी बात हो रही थी तो तो ठीक था कि हम चपाती खाते हैं रोटी खाते हैं यस कार्बोहाइड्रेट वाले पदार्थ खाते हैं पर लॉयन की बात करो मुझसे टाइगर की बात करो मुझसे टाइगर और लॉयन चपाती कहाँ खाते हैं टाइगर और लॉयन तो सिर्फ किसी जानवर का मांस खा रहे हैं दे किल एन अदर एनिमल्स है ना दे टीयर इट उनका फ्लैश खाते हैं उनके फ्लैश से उनको क्या मिलता है उनके फ्लैश से उनको कार्बोहाइड्रेट नहीं मिलता है फ्लैश में होता है प्रोटीन एक कार्निवोरस एनिमल्स को क्या मिल रहा है खाने में प्रोटीन मिल रहा है तो उनको एनर्जी कहां से आ रही है भाई उनको या तो प्रोटीन मिल रहा है ना हाँ दूसरे आग, एनिमल्स का मांस खाने से तो यस कभी कभी हमारी बॉडी क्या करती है जब उनको कार्बोहाइड्रेट नहीं मिलता है तो वो प्रोटीन और फैट्स को भी क्या करती है ब्रेक करके ग्लूकोज प्रोड्यूस कर सकती है ठीक है क्योंकि उनको भी एनर्जी चाहिए याद रखिएगा और एनर्जी आएगी ग्लूकोज से ठीक है एंड थिंक yes, यस इसीलिए मैंने कहा उन वाइल्ड एनिमल्स का एग्जाम्पल मैं दे रहा था ठीक है ना जो फ्लैश हीटर्स हैं जो कार्निवोरस हैं तो उनको प्रोटीन से प्रोटीन से एनर्जी मिलती है याद रखिएगा प्रोटीन से एनर्जी बहुत ज्यादा नहीं मिलती है इसीलिए शेर क्या कर सकता है बहुत ज्यादा लंबे समय तक दौड़ नहीं सकता दौड़ता तेज है ताकत बहुत ज्यादा है उसके पास बहुत बहुत लंबे समय तक क्या करता है दौड़ नहीं पाता है ठीक है ना यही हाल चीता है यहाँ अदर वाइल्ड एनिमल्स पे भी है ठीक है ना अब आते हैं टू काइंड ऑफ रेस्पिरेशन के बारे में जानते हैं दो तरह की रेस्पिरेशन होती है हाँ सुना होगा आप भी दो टाइप की रेस्पिरेशन करते हो नहीं यकीन है आओ मैं बताता हूँ ये तो सर ब्रीदिंग है अरे भाई रुक जाओ <laughs> जब ने आपने इनिलेशन किया जब आपने ऑक्सीजन का इंटेक किया इस एयर में से ऑक्सीजन का इंटेक किया तो आपके ऑक्सीजन जो आपके शरीर में गई वो आपके ब्लड में एब्जॉर्ब हो गई हीमोग्लोबिन में एब्जॉर्ब हो गई वो गई और क्या किया उसने फूड पार्टिकल को कार्बोहाइड्रेट पार्टिकल्स को क्या किया ब्रेक डाउन किया और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर दिया हो गया खत्म इसको आप क्या कहेंगे अरे एयर रेस्पिरेशन भाई क्यों मैंने कहा ना आपने ऑक्सीजन इनटेक किया ठीक है तो एरोबिक रेस्पिरेशन हो गई तो एक ऐसा रेस्पिरेशन जो मैंने कहा हम कर रहे हैं इन दी ओपन एयर या हर समय जो कर रहे हैं मैं और आप वो एरोबिक रेस्पिरेशन है बट हम दूसरा टाइप की रेस्पिरेशन भी कर रहे हैं यस आप बहुत तेजी से क्या कर रहे हैं कि दौड़ के जा रहे हैं यस कभी कभी आप रेस में पार्टिसिपेट करते हैं और अपनी बहुत ताकत से क्या करते हैं दौड़ जाते हैं पर जब दौड़ के आते हैं ऐसे बहुत तेज सांस ले रहते हैं कभी ऐसा किया आपने जरूर किया होगा अगर किया होगा तो याद रखिएगा ऐसा क्यों कर रहे होते हैं अपने पैर की मसल को लेकर बैठ जाते जब आप क्या कर रहे होते हैं बहुत तेज दौड़ रहे होते हैं तो आपके पैरों की मसल्स यस जब आप रेस में होते हो मैं एग्जाम्पल रेस का दे रहा था तो आपकी पैरों की मसल्स एनओरबिकली ब्रीथ कर जाती है कुछ पल के लिए कुछ समय के लिए क्या करती है उनकी रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑक्सीजन ज्यादा होती है बट उसको ऑक्सीजन मिल नहीं पाती है तो वहां पे कुछ पल के लिए लेकिन एसिड प्रोड्यूस हो जाता है ठीक सुना लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस हो जाता है उस पर्टिकुलर सेल के अंदर थोड़ी देर के लिए समझ गए ना और वही क्या करता है हम के के लोग बहुत सांस लेते हैं ताकि वो जो ऑक्सीजन जो कम पड़ गई थी उस ऑर्गन से थोड़ी देर बाद उसको मिल जाने के बाद क्या होता है लैक्टिक एसिड चला जाता है और हमारी बॉडी नॉर्मल होने लगती है तो इसका मतलब हम एरोबिकली तो नॉर्मली हर समय ब्रीथ करते हैं बट जब एक्सर्ट कर जाते हैं बहुत ज्यादा एक्सरसाइज कर लेते हैं किसी मसल पार्ट के साथ तो वहां पर एनऑर्बिकली ब्रीदिंग होती है तो क्या हम लोग रियली में एनऑर्बिकली ब्रीथ कर सकते हैं जवाब है नहीं सिर्फ पर्टिकुलर मसल सेल की मैं एग्जाम्पल दे रहा था पर क्या कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो एनऑर्बिकली अर्थात बिना ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जी सकता है बताओ यस है ऐसे बैक्टीरिया पार्टिकल्स हैं यस ऐसे बैक्टीरिया आपने कभी कभी सुना होगा कि टिन कैन यस yes, जो पैक्ड फूड्स आते हैं टिन के अंदर हाँ पैक्ड रसगुल्ले आते हैं है हाँ ना बीकाजी के रसगुल्ले नाम सुना होगा ना और बहुत सारी कंपनियों के पैक्ड फूड्स टिंड फूड्स आते हैं टिंड रसगुल्ले आते हैं तो उनके अंदर भी कभी कभी क्या हो जाते हैं यस yes, उस टिन का कवर्ड है बंद है उसके अंदर भी कभी कभी क्या हो जाते हैं बैक्टीरिया चले जाते हैं हर वो खराब हो जाती है तो वो बैक्टीरिया कैसे जी रहे होते हैं करेक्ट एन एरोबिकली एयर ना होने के बावजूद वो जी लेते हैं ऐसे ही टेप वॉर्म जो आपके यस yes, आपके इंटेस्टाइन में होता है यस yes, कुछ लोगों को पेट में केचुए होते हैं सुना होगा ना कि पेट में केचुए हैं उनके दैट इज टेप वा ये एक तरह का पैरासाइट है जो आपके बॉडी के अंदर जो फूड है यस yes, उसको एंटेक कर लेता है उससे अपनी एनर्जी बनाता है मालूम है कि नहीं है तो वो भी इन ब्रीथ कर रहा है ठीक है ना तो दो तरह के रेस्पिरेशन हो गए आइए बुकिश टर्म से देख लेते हैं एक बात तो सबसे पहले बात करते हैं जब हम एनिमल्स अपनी बात करते हैं तो नॉर्मली हम क्या करते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं जिसमें हम ऑक्सीजन का यूज करते हैं तो मैंने कहा एनोरबिक यस एन एरोबिक एन एरोबिक रेस्परेशन एक्सेप्शनल केसेस में हम करते हैं मैंने एग्जाम्पल दिया टेप फॉर्म का टेप फॉर्म जो हमारे स्टमक में जी रहे हैं यस हमारे इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं आपको पता होना चाहिए बहुत सारे छोटे बच्चों के पेट में यस इंटेस्टाइन में ये टेप होते हैं और तो और एनोबिक रेस्पिरेशन आपका बॉडी का यस आपके बॉडी भी करती है जब आप फास्ट वर्किंग करते हो जब आपके मसल्स को आप क्या करते हो ज्यादा एक्जर्ट करा देते हो बट याद रखिएगा टेम्परली हो सकता है बहुत लंबे समय तक नहीं होता है ठीक है ना और उस समय उस दौरान क्या होता है जब एनॉर्बिक ब्रीथ करती है आपकी मसल तो वहां पर लैक्टिक एसिड कलेक्ट हो जाता है क्या कलेक्ट होता है याद कर लीजिए की है क्टिक एसिड कलेक्टर मैंने सर्कल लगा दिया एंड दिस गिव्स द फीलिंग ऑफ फैटी और ये आपको थकान महसूस कराती है तो अगर आप थक रहे हैं यस काम करते करते हो तो समझ जाइए आपके साथ यही हो रहा है एंड दिस कंडीशन जब आपके बॉडी में लेक्टिक एसिड इकट्ठा हो रहा है इस कंडीशन को कहते हैं ऑक्सीजन डेप्ट बी हाँ ऑक्सीजन डेप डी ई बी टी अर्थात डेप मतलब कमी शॉर्टेज और मैंने कहा ना वो जो खिलाड़ी दौड़ के आता है स्प्रिंट करके आता है हंड्रेड मीटर रेस दौड़ के आता है वो तेजी से सांस लेकर उस अब्सेंट डेप्ट को कवर कर लेता है क्लियर आओ केमिकली समझते हैं कैसे स्टेप्स टेक प्लेस करते हैं रिएक्शन से समझते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन कैसे टेक प्लेस करती है एनअरबिक रेस्पिरेशन कैसे टेक प्लेस करती है समझ में आ रहा है यस yes, समझ में आ रहा है मेरे राइजिंग स्टार्स तो प्लीज लाइक प्रेस कर देना और यस yes, कमेंट साथ में दोगे तो मजा आएगा मेरे और आपके बीच में इंटरेक्टिव सेशंस चलेंगे तो ये यस yes, ये टू वे कम्युनिकेशन हो जाएगा और मुझे भी खुशी होगी आपके कंसेप्ट क्लियर होने पर एक बात याद रखिएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो आप जरूर चेक करेंगे आपके लिए व्हाट्सअप यस yes, आपके लिए व्हाट्सअप ग्रुप बना रखा है आपके लिए टेलीग्राम चैनल बना रखा है इवन फेसबुक का एक पेज भी राइजिंग स्टार्स ये सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ, सिर्फ एक्सक्लूसिवली फॉर आईसी क्लास नाइन्थ है याद रखिएगा अगर आप क्लास नाइन्थ में हैं तो अपने क्लास नाइन्थ के फ्रेंड्स को भी शेयर जरूर 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 करना चल तो क्या करें प्रचार नहीं करेंगे तो आप तक बात पहुंचेगी नहीं और जंगल में मोर नाचा किसने देखा वेन यू डोंट नो दैट दिस इज इज द हेल्प याद रखिएगा एवरीथिंग एब्सोल्युटली फ्री इन अवर चैनल हाँ ये आपका चैनल है सर तरुण एवरीथिंग इज एब्सोल्युटली फ्री ऑल कंटेंट लेसन वीडियो सब चीज हम आपको फ्री में ही दे रहे होते हैं विदाउट अ सिंगल पेनिंग ये नोट भी सारे अवेलेबल है कहा सर तरुण नाम की वेबसाइट में ठीक है आओ स्टार्ट करते हैं तो एरोबिक रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन इन द प्रेजेंस ऑफ एयर में क्या होता है ये रहा ग्लूकोज देख लीजिए ग्लूकोज ग्लूकोज क्या करता है ऑक्सीजन से कंबाइन होकर के देखिए सी सिक्स एस ट्वेल्व ओ से कंबाइन होकर के क्या प्रोड्यूस करता है कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है जो हम ब्रीद आउट कर रहे होते हैं जो हम बाहर छोड़ रहे हैं वाटर वेपर निकल रहा है और थर्टी एट ए टी पी ये थर्टी एट ए टी पी क्या है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट ये एनर्जी का यस करेंसी ऑफ दिस सेल है ये एनर्जी है और प्लस इतनी हीट रिलीज कर रहा है 420 किलो कैलोरीज तो एनर्जी मेन मेरा कॉन्स्टिटेंट था बताना यस yes, एनर्जी रिलीज कर रहा है यस yes, कौन एरोबिक रेस्पिरेशन अब आता है एन एयरबिक रेस्पिरेशन तो मैंने बताया एनबिक रेस्पिरेशन में क्या होगा देखिए ऑक्सीजन यहाँ नहीं है अगेन ग्लूकोज तो है ग्लूकोज क्या कर रहा है इसमें भी ब्रेक डाउन हो रहा है है हाँ ना इन दी प्रेजेंस ऑफ एनजाइम ब्रेकडाउन हो रहा है यस yes, हमारी बॉडी का एंजाइम क्या कर रहा है इसको ब्रेकडाउन कर रहा है बट एनिमल्स की बात कर रहे हैं यस yes, हम लोग की बात कर रहे हैं एनिमल्स में आ रहे हैं तो लैक्टिक एसिड नाम का एक केमिकल प्रोड्यूस हो रहा है एनर्जी रिलीज तो कर रहा है देखिए पर कितनी कम एनर्जी रिलीज कर रहा है यहाँ पे एनर्जी जो है 38 एट है जबकि नीचे एनर्जी जो है वो सिर्फ टू है तो उसका मतलब एनर्जी तो रिलीज़ होगी लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करने बहुत 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 कम होगी और साथ में क्या होगा बहुत सारी हीट एनर्जी निकलेगी हाँ इसीलिए मैंने बताया था इसीलिए मैंने बताया था कि उस समय क्या होता है आपको जब लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस हो रही है एनोबिक होता है आप थकान महसूस करते हो फैटिक महसूस करते हो आइए कुछ स्पेशल पॉइंट्स यस कुछ स्पेशल फीचर्स एनबिक रेस्पिरेशन के इस रेस्पिरेशन की बात कर रहे हैं सिर्फ एनबिक की बात करते हैं आइए कुछ इसके स्पेशल फीचर्स जान लें सबसे पहला स्पेशल फीचर है ये एक स्लो प्रोसेस है ठीक है एनोबिक रेस्पिरेशन स्लो होती है दिस रिएक्शन कैन नॉट कंटिन्यू फॉर लॉन्ग टाइम रिएक्शन बहुत लंबे समय तक नहीं कर दें मर जाएंगे भाई कितनी देर तक करोगे समझ गया ना तो दे प्रोड्यूस लैक्टिक एसिड मैंने बताया था दिस प्रोड्यूस लैक्टिक एसिड जिसकी वजह से एक या फैटी थकान महसूस होती है याद रखिएगा इस समय कार्बन डाइऑक्साइड नो कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस देख लीजिए यहां पे कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है कहीं पर भी ठीक है ना कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस नहीं हो रही है तो और क्या खास बोल रहा है जो टोटल एनर्जी है याद रखिएगा टोटल एनर्जी रिलीज इज मचलेस और मैंने दिखा भी दिया साबित भी कर दिया एनर्जी रिलीज कितनी हो रही है टू एटी पी एनऑर्बिक में एनर्जी बहुत कम रिलीज हो रही है ठीक है ना यही इसके मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं आगे बढ़ जाते हैं रेस्पिरेशन के लिए हमारे बॉडी के यस के पार्ट्स को कैसे टेक प्लेस करता है और किस तरह से पार्ट्स ऑफ रेस्पिरेशन होता है चलो सबसे पहले समझते हैं ब्रीदिंग तो जब आप सांस ले रहे हैं यस यस yes, ब्रीदिंग कर रहे हैं तो मैंने कहा ब्रीदिंग एक फिजिकल प्रोसेस है ब्रीदिंग तो ब्रीदिंग से क्या करते हैं आप एटमोस्फियर से इनटेक करते हैं ऑक्सीजन और फोर्स आउट करते हैं यस कार्बन डाइऑक्साइड तो इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम लंग्स खत्म अब आता है कैशियस ट्रांसपोर्ट जब आप ऑक्सीजन एब्जॉर्ब कर लेते हैं यस yes, जब आपकी बॉडी ऑक्सीजन एब्जॉर्ब कर लेती है तो आपके ब्लड में यस आपके ब्लड में ऑक्सीजन एब्जॉर्ब चला जाता है ब्लड में कहां पे चला जाता है आर बी सी याद रखिएगा रेड ब्लड सेल्स में रेड ब्लड सेल्स में हीमोग्लोबिन ओ, ओ हीमोग्लोबिन नाम का एक प्रोटीन होता है यस ये आयरन से बना पदार्थ होता है हीमोग्लोबिन जो खून को लाल रंग देता है यस यही ये ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करके बन जाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन क्या ये एक अनस्टेबल कंपाउंड होता है हमारे ब्लड में होता है जो हमारे ब्लड को लाल रंग देता है और जिसकी वजह से रेड ब्लड सेल्स लाल रंग की खून के सेल्स क्या करते हैं ऑक्सीजन अब्जॉर्ब होकर ऑक्सीहीमोग्लोबिन बन जाते हैं और ये हमारे बॉडी पे मूव करते हैं है ना किसकी मदद मतलब से मूव करते हैं आर्टरीज आर्टरीज क्या करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं थ्रू आउट द बॉडी और क्या होता है इसके बाद yes. ये यही ऑक्सीडेट ब्लड क्या पहुंचता है जहां पर कार्बन डाइऑक्साइड सॉरी जहां पे ग्लूकोज पार्टिकल है उसको ब्रेक डाउन कर देता है ठीक है ना उसको ब्रेक डाउन कर देता है उनको अपना ऑक्सीजन देता है उनको अपना ऑक्सीजन देता है और उनका कार्बन डाइऑक्साइड कैरी कर लेता है ठीक है ऑक्सीजन दे करके उनसे कार्बन डाइऑक्साइड कैरी करता है हां कार्बन कैरी कर देता है ये हीमोग्लोबिन क्योंकि मैंने बताया ये क्या करता है स्टेबल कंपाउंड नहीं बनाता है यहाँ पर समझ गया ना और यही कार्बन डाइऑक्साइड हम रिलीज आउट कर देते हैं और टिश्यू रेस्पिरेशन क्या होता है इसके लिए आप इसको डायग्राम को थोड़ा ध्यान से देखेंगे देखिए क्या हो रहा है आपकी ये रेड ब्लड सेल्स है ठीक है ये डायग्राम आपकी बुक में ही दिया हुआ है ये रेड ब्लड सेल्स है ये रही वाइट ब्लड सेल्स रेड ब्लड सेल को रेड कलर से आप आइडेंटिफाई कर ले रहे हैं और वाइट ब्लड सेल्स को वाइट कलर की येस yes, कलर से आइडेंटिफाई कर ले रहे हैं एक और भी चीज़ है रेड ब्लड सेल्स जो होती हैं वो बाय कॉन्केव शेप की होती हैं यस बाय कॉन्केव शेप की होती हैं बीच से चिपटी होती हैं यस बीच से थिक चिपटी होती है साइड से क्या होती है हाँ थिक होती हैं जबकि वाइट ब्लड सेल्स की खास बात क्या होती है इनका कोई शेप फिक्स नहीं होता है अमीबॉइड होती है हाँ चलिए तो अब देखते हैं क्या हो रहा है देखिए जब आप क्या कर रहे हैं रेस्पिरेशन कर रहे हैं तो ये देखिए सेल्स के अंदर ये कैपलरीज के, के अंदर क्या हो रहा है ट्रांसफर टेक्निक्स का थोड़ा डायग्राम को और ऊपर करना पड़ेगा अब क्लियर होगा यहाँ देखिए डायग्राम इस पार्ट पे देखिए क्या हो रहा है जब आप डायग्राम को ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखेगा इस डायग्राम में बड़ा कर दूँ क्या डायग्राम पहले चलो इस डायग्राम को थोड़ा बड़ा कर देते हैं हाँ इधर कर देते हैं अब आप और क्लियरली देख पा रहे हैं ठीक है ये डायग्राम क्लियरली देख पा रहे हैं देखिए क्या हो रहा है रेड ब्लड सेल्स जी रेड ब्लड सेल्स को ध्यान से देखिए ये रेड ब्लड सेल्स देखिए क्या कर रही है ये ऑक्सीजन दे रही है ऑक्सीजन दे रही है अदर बॉडी पार्ट्स को अदर टिश्यूज़ को देखिए ये बड़े बड़े जो है ये टिश्यूज हैं ये ये टिश्यूज हैं और इसके बाहर जो है वो टिश्यू फ्लूइड्स हैं ठीक है थीके? सर टिश्यू क्या होता है ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स परफॉर्मिंग स्पेसिफिक लाइफ फंक्शन इस कॉल्ड एस टिश्यू तो टिश्यू को ऑक्सीजन दे रही है यस yes. और जानते हैं ऑक्सीजन तो देती है इनका कार्बन डाइऑक्साइड भी यस yes. इनके अंदर मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड कलर चेंज कर दिया मैंने आपके लिए ब्लू कलर कर दिया ऑक्सीजन देती है और इनका कार्बन डाइऑक्साइड ले भी लेती है ठीक है ना ये करती है यस yes. इसको हम कहते हैं क्या टिश्यू रेस्पिरेशन अब नहीं भूलोगे पक्का अब नहीं भूलोगे ना अब ये सिंपल हो गया ये हमेशा के लिए डायग्राम हो गया अब आ रहा है टिश्यू के बाद क्या रेस्पिरेशन आ रहा है सेल्यर रेस्पिरेशन मतलब सेल टू सेल जी सेल टू सेल एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन ठीक है ना अब सेल्यर रेस्पिरेशन में क्या होता है मैंने बताया फाइनली क्या होता है एनर्जी रिलीज हो जाती है यस फाइनली एनर्जी रिलीज हो जाती है ग्लूकोज पार्टिकल से चलो अब आते हैं रेस्पिरेशन पूरा प्रोसेस समझते हैं यस yes. पहले ब्रीदिंग समझते हैं रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स का पहले ब्रीदिंग समझते हैं इसके लिए मुझे आपको एक डायग्राम दिखाना पड़ेगा सबसे पहले शुरुआत होती है नाक से सबसे पहले शुरुआत होती है नाक से तो नाक तो एक्सटर्नल पार्ट है भाई नाक तो एक्सटर्नल पार्ट है नाक में दो छेद बने हुए हैं यस yes. नाक नाक में दो छेद बने हुए हैं दो होल्स बने हुए हैं उन दोनों होल्स को कहते हैं क्या Nostrils. अब नहीं भूलोगे इन दोनों नॉस्ट्रिल्स के बीच में एक कार्टिलेज की एक कार्टिलेज की है, बीच में यहां पर कार्टिलेज की है है नाम है सेप्टम अब तो नहीं भूलोगे नॉस्ट्रिल और बीच में यहां पर सेप्टम ठीक है और और क्या मौजूद है नोज में हेयर यहां पे हेयर मौजूद होता है नोज मालूम है कि नहीं आपको यस क्या करता है ये हेयर जानते हैं आप यही डस्ट पार्टिकल जो आप सूंघ रहे हैं यस एयर में आसपास में यस डस्ट पार्टिकल जब चले जाते हैं तो उसको वह एब्जॉर्ब करता है फिल्टर का काम करता है प्रिवेंट करता है लार्ज पार्टिकल्स फ्रॉम एंटरिंग दी सिस्टम हमारे यस रेस्परेटरी सिस्टम में अंदर जाने से रोकता है और तो और यहाँ पे क्या होता है एक म्यूकस की स्टिकी लेयर होती है क्या चीज़ यस इस नाक के अंदर म्यूकस की एक स्टिकी सी लेयर होती है वो चिपका लेता है डस्ट पार्टिकल को ताकि अंदर डस्ट लंग्स तक जाए ना अगला पैसेज यस नोज के पीछे जो पैसेज है नोज के पीछे यस के पीछे जो रास्ता है वो उसका नाम है, ठीक है? फेरिंग्स, फेरिंग्स? फेरिंग्स कॉमन पैसेज है द नेशनल चैम्बर ओपन एट बैक ऑफ अ वाइड कैविटी एक इसके पीछे एक बड़ी सी कैविटी है फेरिंग्स ठीक कहां होता है फेरिंग्स सिचुएटेड एट द बैक ऑफ द माउथ माउथ के पीछे ठीक है एंड इट इज अ कॉमन पैसेज याद रखिएगा फेरिंग से कॉमन पैसेज है यहां से आप एयर भी कर सकते हो और फूड भी ले सकते हो ठीक है ना इसीलिए अगर आपका नाक खराब है आप मुंह से भी सांस ले पाते हो तो एक कॉमन पैसेज है नाक और मुंह को जोड़ता है याद रखिएगा फेरिंग्स और फेरिंग्स का भाई आता है लेरिंग्स नहीं 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 नहीं, नहीं भाई नहीं है अगला पार्ट है लेरिंग्स जिसको हम वॉइस बॉक्स यस ये रहा आपको दिखेगा बहुत आराम से आप अपने गले को भी यस अरे अभी चेक करके देखो ना अपने गले को टच करके देखो हाँ अभी करो चेक करके देखो हाँ करेक्ट देख लिया ओ ओ अभी तक तो सिर्फ सुना रहे थे अब आपको दिखा भी देते हैं ये रहा इसको थोड़ा बड़ा कर दिया और इधर ले आए और बड़ा कर दिया और इधर ले आए अब तो नहीं भूलोगे इसको अब ये डायग्राम तो नहीं भूलोगे पक्का अब इस डायग्राम को देखते हैं आपको बताते हैं कैसे यस रेस्पेशन ये रहा नोस ये रहा नॉस्ट्रिल यहां पर ठीक है ना नॉस्ट्रिल मतलब वोस्ट वो दो छेद जहां से यस वो दो छेद जहां से क्या होता है एयर अंदर जा रही है ठीक है ना यहाँ पे है देखिए और यहाँ से एयर कहाँ पहुंच रही है देखिए इसका नाम है नेसल चैम्बर नाक के पीछे की जगह नेसल चैम्बर देख रहे हैं ये नोज की स्मेल बताने वाला नर्व है देखिए ये ब्रेन को टच करता है देखिए ये आगे चला जाता है ब्रेन के पास आपने क्या सूंघा बदबू आ रही है तो भी बता देगा खुशबू आ रही है आ, बहुत अच्छी खुशबू है कौन बताएगा ये? ये स्मेल के सेंसर्स हैं जो ब्रेन पे जाते हैं और नेसल चैम्बर के बाद यहां पर जैसे ही यहां पहुंचते हैं तो इसका नाम है फेरिंग्स ये कॉमन पैसेज है यस यहां से फेरिंग शुरू देखिए फेरिंग्स बॉक्स में बना हुआ है फेरिंग्स दिखाई दिया फेरिंग्स या फेयरिंग्स को देखना हो तो आप अपना मुंह खोलिए हा करिए आपको कुछ ऊपर से लटकता हुआ दिखाई देगा आईने के सामने करके देखना समझ में आएगा यस या अपनी इमेज कर लेना ठीक है सिर्फ आपको क्या करना है आ टंग बाहर करके आ करना है तो आपको कुछ लटकता हुआ दिखाई देगा जो ये लटकता हुआ पदार्थ दिखाई दे रहा है आपको यस पार्ट दिखाई दे रहा है मैंने डार्क कर दिया देखिए ये टॉन्सिल और टॉन्सिल से पीछे जितनी भी खाली जगह दिख रही है यही है कॉमन पैसेज फूड के लिए भी और एयर के लिए नाम है फेरिंग्स यही फेरिंग्स यही फेरिंग्स थोड़ा सा नीचे बढ़ेगा तो उसको मिलेगी एपिग्लॉटिस एपिग्लॉटिस एक फ्लैप फ्लैपलेक्स स्ट्रक्चर है क्या एक फ्लैप फ्लैपलैक्स स्ट्रक्चर है जब एयर और फूड यहां पहुंचेगा यस ये डिसाइड करेगा किसको फूड पाइप को क्लोज करना है कि विंड पाइप को क्लोज करना है किसको डिसाइड करना है किसको डिसाइड करना है कि फूड पाइप को क्लोज करना है कि विंड पाइप को क्लोज करना है एपिग्लॉटिस ये रहा ठीक है ना तो जब हम खाना खा रहे होते हैं तो वो विंड पाइप को क्लोज कर देता है और जब हम सांस ले रहे हैं तो फूड पाइप को बंद कर देता है ठीक है ना तो अब इसके बाद देखिए आगे की तरफ देखिए विंड की तरफ जा रहा है आगे वाला जो पैसेज है देखिए आगे वाला पैसेज है यहीं पर है यस लेरिंग्स यही लेरिंग्स है लेरिंग्स के अंदर जी लेरिंग्स के अंदर आपको मिलेंगे वोकल कॉर्ड तो यहां आपको लेरिंग्स जो बाहर उभरा हुआ दिखाई दे रहा है यस ये है लेरिंग्स ठीक है ना इसको एडम सेप्पल के भी नाम से जाना जाता है डायग्राम क्लियर है समझ में आ गया है यस समझ में आ गया है तो लाइक कर सकते हो यस लिख सकते हो ठीक है आगे बढ़ जाएं चलिए अब इसके बाद हम लोग देखते हैं यस ट्रैकिया जब आप लैरिंग्स के पास पहुंच जाते हैं तो अगला जो पार्ट होता है उसका नाम होता है ट्रैकिया ट्रैकिया को विंड पाइप बोलते हैं यस ट्रैकिया को विंड पाइप बोलते हैं ये रहा विंड पाइप है आपके पास और विंड पाइप यस विंड पाइप आगे जाकर के कहाँ चला जाएगा यस yes, ब्रोंकस में चला जाएगा ये रहा आपके पास स्क्रीन पर डायग्राम इसको थोड़ा बड़ा कर दूँ यस yes, इस डायग्राम को थोड़ा सा बड़ा करके आपको दिखा देते हैं यस yes, ये रहा डायग्राम चलो कहाँ पहुँचे आप यस yes, कहाँ पहुँचे सवारी कहाँ तक पहुँच चुके थे लहरिंग्स तक पहुँच चुके थे लहरिंग्स के आगे बढ़ना है और लहरिंग्स से आगे बढ़ जाते हैं तो लहरिंग्स जिसको हमने बताया एडम एप्पल भी कहते हैं एडम नाम के यस yes, सबसे पहले मानव का नाम एडम याद है ना? एडम एप्पल भी कहते हैं और अब यस yes, अब क्या करेंगे एडम्स एप्पल पे, यस yes, लेरिंग्स से यस yes, लेरिंग से यस yes. एयर जो है वो पहुँचेगी ट्रैकिया पे। ट्रैकिया एक सी शेप्ड रिंग से बना हुआ है किससे यस कार्टिलेजिनस रिंग से बना हुआ है ठीक है ना कार्टिलेजिनस रिंग से बना हुआ है किससे बना हुआ है कार्टलेज थोड़ा सा ब्राइटनेस कम थी ना अब बढ़ गई एक कार्टिलेजिनस रिंग से बना हुआ है देखिए ये रही रिंग वो ठीक है ना ट्रेकिया इस रिंग शेप से बना हुआ है और ट्रेकिया आगे जा करके यस ट्रेकिया आगे जाकर क्या हो जाएगा ब्रेक हो जाएगा ब्रोंकाई में किस में ब्रेक हो जाएगा ब्रोंकाई में, हाँ, में ब्रेक हो जाएगा हाँ ब्रें ब्रोंकाई में ब्रेक हो जाएगा ब्रोंकाई यस ब्रोंकाई आगे जाके देखिए और फर्दर ब्रेक होंगे देखिए देखिए ध्यान से नाम हो जाएगा ब्रोंकियोल ठीक है ना और ब्रोंकियोल ब्रोंकियोल यस फर्दर ब्रेक हो जाएंगे और ब्रेक हो जाएंगे लास्ट में दिखेगा आपको राउंड राउंड सा सेक नाम है एलबीओली या एयर सेक हाँ नाम होगा एलबीओली या एयर सेक यही लेफ्ट और राइट दोनों पार्ट में होगा यस लेफ्ट और राइट दोनों पार्ट में होगा हां आपको मैं एलबीओली भी दिखा दे रहा हूं क्लियरली ये रहा एलबीओली बन जाएगा यस yes, ब्रोंकियोल आगे ब्रेक होके क्या बन जाएगा एलव्योली या एयर सेक एयर सेक वो फाइनल पार्ट है यस yes, ये वो फाइनल पार्ट है यहां पर क्या होगा इसी के अंदर इस एल्विय के अंदर ही यस yes, ये राउंड सा स्ट्रक्चर है इसके अंदर ही क्या होगा ऑक्सीजन एब्जॉर्ब होगी यस yes, और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी ठीक है ना यहीं से क्या होगा ये टेक प्लेस करेगा ये राउंड सा स्ट्रक्चर होता है एलवियोली थोड़ा सा बड़ा कर दिया ताकि दिखाई दे और यस yes. अब यहीं से मैंने कहा अंदर यहां पर ऑक्सीजन क्या होती है यस yes, इनटेक हो जाती है हो जाती है और यहां से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाती है ध्यान देंगे डायग्राम को यस yes, ये सारा इस छोटे से एलवीओली में टेक प्लेस कर देखिए कितना छोटा सा ब्लैक रंग का बना है पूरा एलवीओली से भरा हुआ है याद रखिएगा एलविओली इज रिचली सप्लाइड विद ब्लड क्या रिचली सप्लाइड विद ब्लड कैपलरीज खूब सारी थिक ब्लड कैप्लरीज है और ये ऑक्सीजन चला जाता है हमारे आरबीसी के साथ एब्जॉर्ब हो जाता है याद है ना आरबीसी में होता है हीमोग्लोबिन वो बन जाता है ऑक्सी हिमोग्लोबिन क्लियर दिस इज हाउ इट टेक प्लेस ये दिखा रहा है लास्ट में प्लूरल मेम्ब्रेन लंग के ऊपर की यस yes, लंग के ऊपर की लेयर का नाम होता है प्लूरल मेम्ब्रेन लंग को प्रोटेक्ट करने के लिए एक मस्कुलर मेम्ब्रेन होती है लंग को प्रोटेक्ट करने के लिए नाम है प्लूरल मेम्ब्रेन

और इधर देखेंगे एक ब्रैंकियोल, यस एक ब्रोंकियोल यस थोड़ा सा बड़ा कर दूं उसको भी हाँ थोड़ा बड़ा कर देते हैं देखिए डायग्राम को यहाँ देखिए थोड़ा ध्यान से देखिए ध्यान से तो इसमें ब्रोंकियोल जो है यस इस डायग्राम को थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखेगा तो कि जो ब्रोंकियोल है ठीक है जो ब्रोंकियोल है वो वो फर्दर मैंने कहा था ब्रेक हो रहा है एल्वियोली डक्ट में एल्वियोली डक्ट फर्दर देखिए राउंड राउंड दिख रहा है आपको ये राउंड राउंड ये राउंड राउंड क्या है ये एक सिंगल एल्वियोलर है या सिंगल एल्वियोलस है ठीक है इस सिंगल एल्वियोली में देखिए अंदर यस yes. दिख रहा है आपको इसके अंदर एयर इनटेक हो रही है एब्जॉर्ब हो रही है दिख रहा है आपको और क्या हो रहा है देखिए इसके अंदर रिच सप्लाई ऑफ ब्लड कैपिलरीज है ये ब्लड कैपिलरीज शो कर रहा है ऑक्सीजन अंदर एंटर कर रही है और एब्जॉर्ब हो जा रही है ब्लड कैपिलरीज में और यहाँ से रिलीज हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड ये जो बाहर एरो जा रहा है वो कार्बन डाइऑक्साइड के लिए है और ये जो अंदर एरो आ रहा है यहाँ पे जो एर अंदर आ रहा है वो ऑक्सीजन के लिए है दिस ऑल टेक प्लेस विद इन दी एल या एयर सेट क्लियर है समझ में आ गया चलो कर देता हूँ वापस अपने पोजिशन पर इसको दिस इज हाउ द ब्लड रीचेज आइए थोड़ा सा समझते हैं ब्लड सप्लाइज टू लंग तो ऑक्सीजन क्या सिर्फ पूरी बॉडी को चाहिए लंग्स को नहीं चाहिए अरे नहीं भाई लंग्स को भी तो ऑक्सीजन चाहिए लंग्स को भी तो एनर्जी चाहिए तो लंग को भी ऑक्सीजन एनर्जी मिलनी चाहिए ठीक है ना और मैंने बता दिया लंग्स को जो ऑक्सीजन देता है यस उसका नाम है पलमरी आर्टरी नेम द आर्टरी विद सप्लाइज याद रखिएगा ए से आर्टरी क्या ए से आर ट्री ए से अवे याद रखेंगे इस बात को याद रखेंगे ए से आर ट्री ए से अवे फ्रॉम हार्ट मतलब ए से आर ट्री ए से अवे फ्रॉम हार्ट आर हमेशा अवे फ्रॉम हार्ट ले जाती है ब्लड को कहा हार्ट से दूर ले जाती है और कौन सा ब्लड ले जाती है ऑक्सीजनेटेड याद रखेंगे यस सिवाय एक को छोड़ के पलनरी यस ठीक है तो पलमरी आर्टरी यस पलमरी आर्टरी क्या करती है लंग्स पे डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले आती है ठीक है ना और जबकि पलमरी वेन इसका ठीक उल्टा काम करती है चलो आगे बढ़ जाते हैं और आगे दिखाते हैं ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में डिफरेंस देखते हैं आप और आप देखेंगे तो रेस्पिरेशन एक ब्रॉडर टर्म है रेस्पिरेशन इंक्लूड्स ब्रीदिंग लेसन के बिगिन में मैंने यही डिस्कस किया था और इट इंक्लूड नॉट ओनली टेकिंग इन ऑफ ऑक्सीजन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ इन द बॉडी ऑक्सीजन को लेना उसको बॉडी के अंदर यूटिलाईज करना और एनर्जी रिलीज करना पूरा इनाम है जबकि ब्रीदिंग सिर्फ क्या हैल प्रोसेस है मैकेनिकल प्रोसेस है जिसमें सिर्फ इनिलेशन होता है अर्थात ऑक्सीजन को इनटेक होता है एंड एक्सिलेशन होता है याद रखिएगा सिर्फ और सिर्फ एक मैकेनिकल या मस्कुलर प्रोसेस है ठीक है ना आइए अब इसी के दो पार्ट को समझते हैं इनिलेशन

नेक और थोरेक्स थोरेक्स जहाँ पे डायफ्रम है यस उसके ऊपर के रीजन को थोरेक्स कहते हैं तो ये जो थोरेक्स रीजन है डायफ्रम के ऊपर है यस ये रहा डायफ्रम 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 एक मस्कुलर शीट है जो लंग्स को सपोर्ट करती है ठीक है ना देख पा रहे हैं आप स्क्रीन पे, तो आपका थोरेक्स क्या हो रहा है इस समय इंक्रीज हो जा रहा है इंक्रीज हो जा रहा है बिकॉज ऑफ द रिब्स एंड बिकॉज ऑफ द डायफ्रम देखिए ध्यान से बिकॉज ऑफ द रिब्स एंड बिकॉज ऑफ द डायफ्राम क्या होता है रिब्स इस समय मूव अपवर्ड कर जाती हैं रिब्स याद होगा रिब्स रिब्स ऐसे राउंड सी यस यस स्टर्नम से जुड़ी हुई यस yes. स्टर्नम से जुड़ी हुई और बैकबोन से जुड़ी हुई यस yes. स्टर्नम और बैकबोन से, yes. से जुड़ा हुआ याद है यहां फ्रंट पे जो बोन्स है राउंड सा ये जो रिब केज है आपका यस yes. ये जो रिब केज है यस yes. केज क्या करता है यही क्या करता है एक्सपेंड हो जाता है जब आप सांस लेते हैं तो रिप क्या करता है एक्सपेंड हो जाता है ठीक है ना सो केज एक्सपेंड अपवर्ड एंड आउटवर्ड और कॉन्ट्रेक्शन किसका होता है ये कॉन्ट्रेक्शन ऑफ द मसल्स हो जाता है एंड दिस लीड्स टू इंक्रीज इन द चेस्ट एरिया नतीजा आप ज्यादा ऑक्सीजन इनटेक कर पाते हैं ठीक है ना इस समय डायफ्राम क्या करता है डायफ्रम रिमेन्स आर्ज अपवर्ड डायफ्रम इस समय कहां चला जाता है देखिए ऊपर की तरफ चला जाता है डायफ्रम अपवर्ड चला जाता है समझ गया ना ताकि ज्यादा से ज्यादा एयर स्पेस बना सके ठीक है इसका ठीक उल्टा होने वाला है एक्सेलेशन में ठीक है इनलेशन का ठीक उल्टा हो जाएगा तो आप एक्सिलेशन कर पाओगे और एक्सिलेशन में जस्ट रिवर्स होने वाला है आइए एक्जिलेशन भी देख लें एक्सिलेशन इज द रिजल्ट ऑफ रिवर्स मूवमेंट मैंने बताया इस समय क्या होगा इंटरकोस्टल मसल्स रिलैक्स हो जाती है रिब्स ऑटोमेटिकली क्या करते हैं कॉन्ट्रैक्ट करते हैं मूव डाउनवर्ड करते हैं जी एंड डाइफ्रम इज रिलैक्स डाइफ्रम इज रिलैक्सड एंड मूव अपवर्ड टू द डोम लाइक ये तो ये दोनों की कॉन्ट्रास्टिंग पोजिशन से बस आप एक याद करिए इनलेशन याद कर लीजिए कॉन्ट्रास्ट में क्या करिए दूसरा कर लीजिए अच्छा हमारे बॉडी में कभी हम तेज सांस लेते हैं कभी नॉर्मल सांस लेते हैं कभी ऐसा सोचा है ऐसा कौन कर रहा है कंट्रोल आपके ब्रीदिंग को कौन कंट्रोल कर रहा है कुछ तो हम कर सकते हैं बाबा रामदेव करा ही रहा है तुमको आलोम विलोम करा रहा है और पता नहीं कितने कितने ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर रहे हैं है ना योगा में बहुत सारे होते हैं है ना तो कुछ ऐसा भी होता है जो हमारे कंट्रोल में नहीं भी है आइए उसका नाम है मेडुला ऑब्लोंगा जी ब्रेन का वो पार्ट ब्रेन का वो हिस्सा जो आपके सारे इनवॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करता है जी द पार्ट ऑफ द ब्रेन विच कंट्रोल्स योर ऑल इन वॉलेंट्री एक्शंस आपकी हार्ट बीट यस आपका इंटेस्टाइन में मूवमेंट ऑफ द फ्लूड ब्लड ये सबको कंट्रोल करता है यस मेडुला ऑब्लॉंगाटा तो ब्रेन का एक सेंटर यस ब्रेन के अंदर एक पार्ट है यस मेडुला ऑब्लॉगा ये एक्टिवेट हो जाता है ये एक्टिवेट हो जाता है किसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड अगर आपके ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड कंटेंट बढ़ने लगेगा आपको प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलेगा ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा मोटोला मेड्यूला ऑब्लॉंगटा आपको क्या करेगा यस yes, आपको और तेज से सांस लेने के लिए क्या करेगा प्रोवोक करेगा आप ऑटोमेटिकली क्या करोगे सांस लेने लगोगे ये सारा कंट्रोल किसके पास है मैंने कहा ना तो इसका मतलब ब्रीदिंग का कंट्रोल सेंटर ब्रेन में कहां पर है ब्रीदिंग नहीं याद रखिएगा जितने भी इनवॉलेंट्री एक्शंस होंगे आपके बॉडी के सबका कंट्रोल सेंटर मेडुला ऑफ लंगाटा में तो आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा चलिए अब ये कुछ ये जो कुछ नंबर्स हैं आपको याद करने पड़ेंगे ये नंबर आपको हेल्प करेंगे नंबर पाने में ठीक है कुछ न्यूमेरिकल है नंबर्स हैं यस जो आपको याद करने पड़ेंगे आइए समझते हैं कैपेसिटी ऑफ द लंग के बारे में जानते हैं या रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स के तो टाइडल वॉल्यूम क्या होती है जब आप क्या करते हैं ब्रीद इन और आउट करते हैं अभी अभी जब आपने क्या किया यस नॉर्मली आप अभी वीडियो देख रहे हैं मोबाइल पे ना दौड़ के आए हैं ना कुछ कर रहे हैं ना दौड़ के तो नहीं आए हो कहीं से ना तो अभी आप सिर्फ फाइव हंड्रेड क्या कर रहे हो इन यस ब्रीद इन और फाइव हंड्रेड ब्रीद आउट कर रहे हो ठीक इस समय जो डेड एयर स्पेसेस होती है डेड एयर स्पेस मतलब कुछ ऐसी एयर होती है जो इस टाइडल वॉल्यूम में से जो हमेशा रेस्पिरेटरी पैसेज में फंसी रहती है कुछ एयर उस पैसेज के अंदर यस जिसमें ट्रैक के आप आता है जहां पे डिफ्यूजन नहीं टेक प्लेस करता है इस 500 के अंदर ही होती है ठीक है टाइडल वॉल्यूम का पार्ट है यस 150, ठीक है अब आता है अगला आता है इंस्पिरेटरी रिजर्व अगर आपने पूरी ताकत से यस पूरे पूरे, पूरे 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 एनर्जी के साथ जितनी ताकत थी क्या कर दिया फोर सिबली टाइडल टाइडल तो सिर्फ पांच सौ था ना और मेरे पास तो कैपेसिटी नहीं है ठीक है पूरी ताकत से जब लेते हो एयर इनटेक करते हो इन करते हो तो वो थ्री थाउजेंड होता है इसका मतलब आपके लंग की कैपेसिटी एब्सॉर्ब करने की कितनी है थ्री हंड्रेड एम एल है ठीक है इसे कॉम्प्लीमेंटल एयर भी कहते हैं और इसकी कैपेसिटी यस अगर आप टोटल कर लें ओवर है ये 300 ये 500 के ऊपर है 500 तो टाइडल था आपका यस टाइडल वॉल्यूम 500 सौ था और अभी हमने पढ़ा इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम आई आर वी ये रहा ठीक 3000 हजार है तो इन दोनों को जोड़ दो तो आपके टोटल लंग की कैपेसिटी हो जाएगी 3,500 हजार एम एल यस इस टोटल को कहते हैं इंस्पिरेटरी कैपेसिटी क्या इंस्पिरेटरी कैपेसिटी आईसी खत्म अभी तक तो इन 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 अरे भैया निकालो भी तो छोड़ोगे भी तो छोड़ेंगे तो क्या होगा एक्सपिरेटरी ठीक है ना एक्सपिरेटरी जो हम फोर्सिबली एक्सपेल आउट करते हैं जो हम फोर्सिबली बाहर निकालते हैं नॉर्मल के अलावा इसको सप्लीमेंटल कहते हैं और कितनी निकाल सकते हैं एट अ टाइम देखा निकालने में एयर कम रिमूव हो रही है ध्यान देना इनटेक में आप ज्यादा ले रहे थे थ्री थाउजेंड ले सकते हो एक बार में पर एक बार में वन थाउजेंड से ज्यादा आउट नहीं कर पाओगे समझ गया ना और आपके टोटल लंग की कैपेसिटी कितनी आ गई साढ़े चार हजार वो कैसे टोटल की यस वाइटल कैपेसिटी वॉल्यूम दैट कैन बी टेकन इन एंड एक्सपेल्ड आउट मैक्सिमम मैक्सिमम इन एंड आउट मैक्सिमम इन की कैपेसिटी 3,500 आपने देखी थी ठीक है ना और मैक्सिमम आउट जितना फोर्सिबली निकाल पाओगे वो है 1,000 तो टोटल हो गया 4,500 समझ गया ना कैसे आया 3,500 प्लस ये वाला 1,000 3,500 याद रखिएगा इन वाली कैपेसिटी थी और 1,000 क्या वाली थी आपके पास एक्स वाली याद रखेगा एक्सप्रेशन वाली कैपेसिटी अब रेसिडुअल वॉल्यूम क्या होता है मैंने बताया कुछ ना कुछ वॉल्यूम लंग में हमेशा बची रहती है कुछ न के कितना भी आप फोर्सिबली एयर निकाल दोगे फिर भी कुछ ना कुछ क्या रहेगी लेफ्ट ओवर रहेगी इसी का नाम है रेसिड्यू मतलब का मतलब भी क्या होता है? बचा हुआ और वो वॉल्यूम कितना है 1500. 1500 लंग में हर वक्त हर समय इतनी वॉल्यूम ऑफ एयर रहती है समझ गया ना एंड लास्ट टोटल कैपेसिटी लंग की टोटल लंग कैपेसिटी आ गई आपके पास 6000 नंबर याद कर लेंगे दोनों लंग्स की कैपेसिटी मिलाकर मिल लेंगे तो बेटर होगा यस yes, क्योंकि इस पे क्वेश्चन बनता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये yes, ये यस इस टॉपिक आपके इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट टॉपिक है आइए इंस्पायर्ड एयर जो हमने एयर इनटेक की उसमें और जो हमने ब्रीद आउट एयर की उनमें डिफरेंस क्या है तो जो हमने एयर इनटेक की थी याद रखिएगा रिप्लेसड कंप्लीटली ध्यान दीजिएगा की वर्ड देखा आपने never replaced completely. क्यों इट इज ऑलवेज अ मिक्सचर ऑफ एयर कुछ एयर जो पहले से इन साइड थी एंड एयर इंस्पायर्ड तो क्वालिटी वाइज अगर डिफरेंस जानना चाहेंगे तो एक्सपायर्ड एयर और इंस्पायर्ड एयर में क्या डिफरेंस है जो सांस छोड़ रहे हैं याद रखिएगा जो एक्सपायर्ड एयर है उसमें लेस ऑक्सीजन है जो एक्सपायर्ड एयर है उसमें मोर कार्बन डाइऑक्साइड है जो एक्सपायर्ड एयर है उसमें ज्यादा वाटर प्यर है जो एक्सपायर्ड एयर है वो वार्मर है सर गर्म कैसे हो जाती है जो एयर ब्रीद आउट करते हैं एक्सपायर्ड एयर गर्म क्यों हो जाती है क्योंकि एट द सेम टेम्परेचर क्योंकि एक्सपायर्ड एयर का टेम्परेचर हमारी बॉडी के टेम्परेचर जैसा हो जाता है याद रखिएगा रिलीज ऑफ एनर्जी हो रही थी प्लस प्लस किलो कैलरीज 420 किलो कैलरीज की हीट रिलीज हो रही थी याद है ना एंड रेस्पिरेशन में आपने देखा था हीट रिलीज हो रही थी एंड इट मे कंटेन सम बैक्टीरिया ऑल्सो इट मे कंटेन यस तो दिस इज़ हाउ द डिफरेंस बिटवीन इंस्पायर्ड एयर एंड एक्सपायर्ड एयर आइए कभी कभी क्या करते हैं लोग पहाड़ों पे चढ़ने लगते हैं येस yes, तो उनको ब्रीदिंग प्रॉब्लम आने लगती है सुना ही होगा आपने है ना क्योंकि हाइट पे क्या होता है जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे ना जैसे जैसे पहाड़ों की तरफ जाएंगे ना तो यहाँ पे एयर प्रेशर बहुत कम है यहाँ पे एयर प्रेशर लो है और यहाँ पर यस एयर प्रेशर हाई है समझ गया ना इसी से प्रॉब्लम होती है ठीक है ना तो क्या बीमारी होती है हाइपोक्सिया कब क्या हो जाता है इस समय इस समय डेफिशेंसी ऑफ ऑक्सीजन हो जाती है जब ऑक्सीजन हमारे स्किन टिश्यूज़ तक नहीं पहुँच पाती है ऐसा तब होता है जब आप किसी क्राउडेड रूम में होते हो या एक ऐसे जगह होते हो जहां पर प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं है प्रॉपर एयर नहीं है बहुत लंबे समय तक आप एक जगह एक हॉल में बैठे हो जहां बहुत ज्यादा ठूस ठूस के बच्चे बैठे हुए हैं हां या एक गाड़ी में यस एक कार है जिसको आपने पूरी तरह से बंद कर रखा है एसी बंद है इनटेक के लिए एयर का पैसेज वाला जो रास्ता है वो भी आपने बंद कर रखा है सब खिड़कियां बंद हैं और बहुत सारे फ्रेंड्स एक साथ बैठे हैं लोग बैठे हैं यू कैन इमेजिन कैसा मिल होगा बहुत सा घुटन सा महसूस होगा ना जब आपको घुटन महसूस हो रही है तो आप समझ जाइए क्या हो रहा है आपके साथ कभी हुआ है आपके साथ यस तो आप समझ जाइए आपको हाइपोक्सिया हो रहा था उस समय और एक्सपुरशन तो इसके आगे का डेडली स्टेज है यस yes, क्या इस क्या इसमें होता है है कंडीशन ब्लड बिकम्स वेनमस वेनमस मतलब पॉइजनस आपके खून में अब पॉइजन बन रहा है। क्यों क्योंकि ऑक्सीजन इतनी कम इंटेक हो रही है और कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जा रही है बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब हो गई है आपके ब्लड में एंड ऑक्सीजन सप्लाई बहुत कम हो गई है डेथ भी होने का चांसेस है ठीक है तो इसीलिए एक्सपीएशन इज डाइंग और इज अ कंडीशन ऑफ सीरियस कंडीशन ऑफ डेथ ऑट्सो भी और कैसे प्रूव करें कि ऑक्सीजन इज लॉस ड्यूरिंग रेस्पेशन बड़ा आसान है ये कैसे प्रूव करें कि वॉटर निकलता है जब हम ब्रीद आउट करते हैं बहुत आसान तरीका है आजकल ठंडियों के दिनों में बहुत आसान था इसको चेक करना आज मिरक के सामने क्या करो अरे किसी ग्लास सर्फेस में करके देख लोस यस मीर में देखोगे वाटर ड्रॉपलेट्स दिखाई दे रहे हैं क्लियर हो गया तो इसका मतलब है पानी रिलीज हुआ ना अंदर से सर गर्मी में क्यों नहीं दिखता है क्या ये कहना चाहते हो क्योंकि गर्मी में यस yes, समर्स में जो टेम्परेचर है बहुत हाई है ये जो वेपर है वो क्या हो रहा है कंडेंस नहीं हो पा रहा है वाटर में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है यस yes, अगर मिरर के सामने करोगे तब भी नहीं होगा गर्मी के दिनों में और ठंडी के दिनों में क्या है मिरर ठंडा होता है और आपकी गर्म हवा जो अंदर से निकल रही है मॉइस्चर वाली वो जाके कंडेंस हो जा रही है क्लियर तो कैसे शो करें यस yes, कैसे शो करें कि कार्बन डाइऑक्साइड सीओ टू इज गिवन आउट कैसे प्रूव करें कि कार्बन डाइऑक्साइड गिवन आउट आइए एक, एक एक्सपेरिमेंट देखते हैं देखिए इस डायग्राम को ध्यान दीजिए कैसे प्रूव करेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है जब हम ब्रीद इन करेंगे तो यहां से ब्रीद इन करेंगे यहां पे लगाएंगे अपना माउथ यस और उस समय क्या करेंगे ये क्लिप सी खोल देंगे क्लिप सी यहां से जब ओपन कर देंगे क्लिप सी तो यहां से एयर आएगी यस और ये एयर जाएगी इसके अंदर होते हुए ठीक है और जब ये एयर इस लाइम वाटर के होते हुए जाएगी तो ये एयर आपके ना माउथ से आपको मिल जाएगी एयर ठीक है पहली बार तो एयर मिल गई आपने ब्रीद इन किया तो क्लिप सी को ओपन कर दिया था अब जब आप ब्रीद आउट करना चाहते हैं सांस छोड़ना चाहते हैं तो इस क्लिप सी को वापस बंद कर दीजिए इसको बंद कर दीजिए और क्लिप डी को ओपन कर दीजिए अब इस बार क्लिप डी ओपन है आपके पास जब आप ब्रीद आउट करेंगे तो एयर यहाँ जा रही है इस बार ब्रीद आउट एयर कहाँ पहुँच रही है लाइम वाटर पे और आप देखते हैं कि कुछ देर बाद ही लाइम वाटर क्या हो जा रहा है मिल्की और लाइम वाटर क्या करता है कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्ट होता है बस लाइम वाटर मिल्की इसका मतलब इसको कार्बन डाइऑक्साइड yes, कम होगा क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड यहां पे एब्जॉर्ब हो चुका है समझ गया ना लाइम वाटर क्या करता है कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब कर लेता है और और खुद को मिल्की या वाइट बना देता है बस हैंड्स प्रूव प्रूव ये हुआ कि जो हम आउट एयर कर रहे हैं उसमें कंटेन्स क्या करता है ये सीओ टू कार्बन डाइऑक्साइड होता है क्लियर है यह एक्सपेरिमेंट भी आपको पता होना चाहिए था एक और एक्सपेरिमेंट देखते हैं यस यस इस डायग्राम को आप लेबलिंग के ले लिए भी कर सकते हो ध्यान से देखोगे तो ये आपके थोरेसिक रीजन को शो कर रहा है ये 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 ये, ये जो डायग्राम है यस ये, ये आपका थोरेसिक रीजन है क्या चीज थोरेसिक रीजन मैं लिख दे रहा हूं थोरेसिक कैविटी टी एच लिख दिया ठीक है क्लियर है ये जो आपका है वो डायफ्रम है डायफ्रम ठीक है डायफ्रम और ये क्या है राउंड राउंड क्या है दिख रहे हैं ये जो बैलून्स हैं ये आपके लंग्स हैं ये क्या है ये आपका ट्रैक किया है नाउ यू कैन मेक इट आउट ठीक है ना दिख रहा है कि जब आप क्या कर रहे हो डायफ्रम को पुल डाउन कर रहे हो तो क्या हो रहा है देखिए ऑक्सीजन और एयर इनटेक हो रही है इस किया से और फिर फर्दर क्या कर रहे है? लंग्स में चले जा रही है लंग्स एक्सपेंड हो जा रहे हैं और इसका ठीक उल्टा करिए जब आपने क्या किया डायफ्राम को क्या कर दिया पुल अप कर दिया देखिए क्या हो गया लंग्स सुकड़ गए कि नहीं देखिए लंग्स पतले हो गए ना और इसमें से एयर बाहर चले गई देखा ना एयर ब्रीथ आउट हो रही है तो इंस्पिरेशन शो कर रहा है डायग्राम एक्सपिरेशन शो कर रहा है ग्रा प्रूव हो गया डेमोंस्ट्रेट हो गया एंड लास्ट टू डायग्राम्स देखिए कैसे प्रूव करें कि कितनी एयर आप ब्रीद आउट करते हो कैसे मेजर करेंगे तो बहुत आसान है वॉल्यूम ऑफ एयर ब्रीद करना आप यहां पर क्या करो एयर ब्रीद आउट करो जो एयर आप रिलीज कर रहे हो ब्रीद आउट कर रहे हो वो यहाँ ब्रीद आउट करो ठीक है ना आपके एयर ब्रीद आउट करने से क्या होगा इसमें जो एक्सेस वाटर होगा वो इसके अंदर कलेक्ट हो जाएगा इसको वॉल्यूम को मेजर कर देंगे तय हो जाएगा कि कितनी वॉल्यूम ऑफ एयर आप ब्रिद आउट करते हो याद है ना इसलिए मैंने नंबर याद करने के लिए कहा था आपको तो कैसे निकाला गया होगा नंबर ब्रिद आउट का ऐसे निकाला गया होगा एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट ये डायग्राम देख लेते हैं ये एक्सपेरिमेंट देख लेते हैं ये तो बहुत ही आसान एक्सपेरिमेंट है है ना इस एक्सपेरिमेंट में क्या प्रूव करना है कि ऑक्सीजन जरूरी है रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन के बिना रेस्पिरेशन नहीं हो सकता है रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन जरूरी है क्या किया है कॉकरोच को रखा है एक जिंदा कॉकरोच को रखा है किसके अंदर वैसे एक्सपेरिमेंट तो मुझे लगता है नहीं करना चाहिए हम लोग को बट फिर भी एक एक जिंदा कॉकरोच को रख दिया है किसके अंदर एक कॉनिकल फ्लास्क के अंदर ठीक है इस कॉनिकल फ्लास्क के अंदर देखिए कॉकरोच रखा हुआ है है ना कॉकरोच ठीक है अब क्या करते हैं इसमें कैंडल बर्न कर देते हैं थोड़ी देर बाद जानते ही हैं ऊपर तो ये कॉक लगी हुई है इसको तो एयर मिलेगी नहीं कैंडल क्या हो जाएगी थोड़ी देर बाद बुझ जाएगी तो जितनी भी इसके अंदर ऑक्सीजन होगी वो कहां चले जाएगी खत्म क्योंकि कैंडल अपने बर्निंग में ऑक्सीजन को इस्तेमाल कर लेगा और कैंडल भी बुझ जाएगा और ऑक्सीजन भी खत्म हो जाएगी कॉकरोच का क्या होगा बेचारे कॉकरोच का क्या होगा मर जाएगा क्योंकि उसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी क्योंकि सारी ऑक्सीजन खत्म हो गई है डेथ हो जाएगी ठीक है ना सो so, डेड कॉकरोच हो जाएगा हाँ इसका अगर आप चाहें तो लिखा है कि इसका एक कंट्रोल एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं कंट्रोल एक्सपेरिमेंट में क्या करेंगे आप डेड कॉकरोच को ही रख देंगे कंट्रोल एक्सपेरिमेंट हाँ जो आप ये एक्सपेरिमेंटल प्रूव करना चाहते हैं इसका रिसर्च करने के लिए इसका इसकी ऑथेंटिसिटी को चेक करने के लिए डेड कॉकरोच को भी रखा जा सकता है तो इस तरीके से आपने पूरे चैप्टर को क्विकली फास्टली बुलेट की स्पीड से फिनिश कर लिया और समझ में आ गया है तो लाइक like प्रेस करना मत भूलना और ये भी याद रखना कि जब यस yes, जब आप चाहोगे तब मैं आपके और लेसन वीडियोस बनाऊंगा और एक रिक्वेस्ट करूंगा अगर आप मेरे राइजिंग स्टार हो यस अगर आप मेरे राइजिंग स्टार हो तो प्लीज इस लेसन वीडियोस को शेयर करना एकदम बहुत क्योंकि लास्ट नाइन्थ यस क्योंकि क्लास नाइन्थ आईसीसी बोर्ड के बहुत सारे स्टूडेंट्स नहीं है यस yes. और उनको कंटेंट नहीं मिल रहे हैं अगर मैं कंटेंट बना रहा हूं और आपका सपोर्ट ना मिले तो कैसे मजा आएगा कंटेंट बनाने में आप भी समझ सकते हैं तो so, मुझे सपोर्ट करिए मैं आपको सपोर्ट करूंगा और विश्वास दिलाता हूं एवरीथिंग इज एब्सोल्युटली फ्री सो थैंक यू एंड लव यू एंड गॉड ब्लेस यू कीप लर्निंग बाय